हेलो सांग माने, एही वीडियो को तुम मानको स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे माने एक पद द्विपद एवं त्रिपद संबंधी उदाहरण मान देखिले। आज एही वीडियो रे आमे उत्पादकीकरण संबंधी एक उत्साहजनक क्रिया करिबा। आसंतु एही बीजगणितिक परिप्रकाश उपरे विस्तृत रे आलोचना करिबा। एही बीजगणितिक परिप्रकाश रे तीनोटी पद रहिछि। एही बीजगणितिक परिप्रकाश रे प्रथम पद को आमे एही प्रथम आकृति रे दर्शाइबा, जहार क्षेत्रफल एक्स घात दुई होइथाय। द्वितीय पद को आमे एही तीन आयतकार रूप रे दर्शाई पारिबा। एठारे प्रत्येक आकृतिर क्षेत्रफल एक्स अटे एवं एही परि भाबरे तीनोटी आकृतिर मिलित क्षेत्रफल तीन एक्स होइथाय। तृतीय पद को आमे एही दुई छोट वर्ग क्षेत्र भावरे दर्शाई थाउ, जहार मोट क्षेत्रफल दुई होइथाय। एही परि भाबरे समस्त आकृति को जोड़ी देले प्राप्त आकृतिर मोट क्षेत्रफल एक्स घात दुई युक्त तीन एक्स युक्त दुई हबो। तुमे एही आकृति को कौनसी आयत बा वर्ग क्षेत्र भावरे व्यवस्थित करि पारिबो कि? जेहेतु एही आकृति वर्ग रूप से व्यवस्थित करा जाय पारिबो नाही, तेणु एहाकु आयतकार रूप से व्यवस्थित करबाकु चेष्टा कर। तुमे कहि पारिबो कि एही परि उत्पन्न आयतक्षेत्रर आकार बा डायमेंशन्स कौन हबो? आज्ञा हाँ, एही परि भाबरे उत्पन्न आयतक्षेत्रर आकार एक्स युक्त दुई एवं एक्स युक्त एक हबो। एहार अर्थ आयतक्षेत्रर क्षेत्रफल एक्स युक्त दुई गुणन एक्स युक्त एक हबो। तेणु आमे कहि पारिबा जे कोनोसी बीजगणितिक परिप्रकाश एक्स घात दुई युक्त तीन एक्स युक्त दुई को आमे एक्स युक्त दुई गुणन एक्स युक्त एक रूप से लिखि पारिबा। एठारे एक्स युक्त दुई एवं एक्स युक्त एक को गुणन करी आमे एही बीजगणितिक परिप्रकाश प्राप्त करिबा। तेणु एहाकु आमे एही बीजगणितिक परिप्रकाशर उत्पादक बा गुणनियक फैक्टर्स कहिथाउ। तेबे एहा गुणनियकर उत्साहजनक नियम नुहे कि? एही वीडियो रे आमे उत्पादकीकरणर गोटे उपाय विषय जानिले। आशा करुचु तुमे उत्पादकीकरणर अर्थ भल भाव बुझी जाइथिबो। धन्यवाद।